सो वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज बहुत सारे मुझे मैसेजेस आए थे कि बहुत दिनों से वीडियो नहीं आया, तो मैंने सोचा कि आज एक व्लॉग बना देता हूँ। वीकडेज ना वैसे मुझे वीकेंड से ज़्यादा बेटर लगते हैं, क्योंकि वीकेंड्स ना बहुत ही लेथार्जिक होते हैं और ना कहीं जाने का मन नहीं करता है। बट आज मेरे बहुत ही पुराने कलीग हैं जिनका मुझे फ़ोन आया था, वो बरेली के ही हैं और बरेली आए हुए हैं, उनकी मदर की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो मैं जा रहा हूँ उनको देखने के लिए मिशन हॉस्पिटल। तो अभी उसमें निकल रहा हूँ, मैंने सोचा आज निकलते हैं बाइक से। बहुत दिनों से बाइक चलाई नहीं थी, कम से कम 3 महीने हो गए बाइक चली नहीं है, तो सोचा बाइक से चलते हैं। तो फटाफट चलते हैं और आंटी जी को देखकर आते हैं कि क्या हालत है उनकी, और अपने भाई से भी मिल लेंगे। चलो चलते हैं, मिलवाते हैं आपको और देखते हैं क्या हालत है उनकी। फाइनली यार पहुंच तो गया हूं मैं हॉस्पिटल, और भाई को बुलाते हैं। पहली बार आया हूं मिशन हॉस्पिटल, पता नहीं मुझे कहां जाना है, कहां क्या है। बुलाते हैं भाई को और देखते हैं कि भैया कहां पर है। कर दिया भाई को फ़ोन, आ रहा है बाहर ही, मुझे तो पता नहीं कहां जाना है। तो भाई आएगा फिर उसके जाते हैं, देखते हैं क्या है, हाल है आंटी जी का। और एक्साइटेड हूँ भाई से मिलने के लिए, काफ़ी टाइम बाद मिल रहे हैं आज, कई साल बाद। तो जस्ट अभी अभी वापस आया हूँ मैं हॉस्पिटल से, मिल लिए अपने फ्रेंड से। वहाँ वीडियो बनाना ठीक नहीं लगा, उनकी कंडीशन ठीक नहीं थी, बट हम मिल लिए, वो मिल के अच्छा लगा। 2019 में जो लॉकडाउन की शुरुआत हुई थी, तो हम लास्ट टाइम मिले थे, क्योंकि तो हम एक ही प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे और हम लोग कलीग थे ऑफिस में, तो तब हम मिले थे। और ये बरेली को बिलोंग करते थे, तो बरेली में मुलाकात पहली बार हुई थी और पता चला कि ऐसी ऐसी कंडीशन है और आए हुए हैं, तो हमने मिले हैं, तो भाई मिल लिए हम लोग जाकर, तो मिल के अच्छा लगा बहुत दिनों बाद। बट हाँ, उनकी कंडीशन ठीक नहीं है, तो अब बहुत सारे काम निपटाने घर के। सबसे पहले तो जाना भैया बाहर सामान लेने के लिए, तो उसके लिए निकलेंगे। उससे पहले सोच रहे हैं कि ग्रीन टी पी लेते हैं, तो भी ग्रीन टी पियेंगे फिर निकलेंगे। बाइक आज चल गई थोड़ी अपनी, पेट्रोल वगैरह भी नहीं पड़वाया था, वो भी डलवा लिया है। बाइक चलाने के एक्चुअली ना बहाने ढूंढने पड़ते हैं, क्योंकि ऐसे मौके बहुत कम होते हैं कि बाइक निकाले जाते हैं। फैमिली वैमिली से जाते हैं तो बाइक चलने कम होती है, स्कूटी ले जाते हैं उसमें ज़्यादा कंफर्टेबल रहता हूँ। और कभी कभार जो ऐसा मौका है कोई कि हाँ अकेले जाना है, या बहुत टाइम से बाइक नहीं चलाई, तो मैं प्रेफर करता हूँ चलो यार बाइक निकाल लेते हैं। बट हाँ, बाइक ज़्यादातर हमारी खड़ी रहती है, चलती बहुत कम है। तो अभी कितना टाइम मुझे लिए हुए, लिए हुए हो गया है सितंबर 2020 में लिया था, और अभी तक ये चलिए केवल केवल, देखो कितनी चली, दिखाता हूँ आपको। आज चल गई 10 किलोमीटर, 1781। तो आज चलिए करीब करीब 10-11 किलोमीटर, वरना तो भैया चलती नहीं, ऐसी खड़ी रहती है। 2-2.5 साल में आप देखो कितनी कम चली है गाड़ी। सर्विसिंग वाले मुझे फ़ोन करके परेशान करते हैं, कहते हैं सर्विसिंग करवानी है। 10,000 किलोमीटर हो गए, मैंने कहा नहीं मैं पूरी गाड़ी चला नहीं रहे हो, मैं कहता हूँ क्या जैक पर रख के चला दूँगा गाड़ी। चलो खैर चल गई आज, साफ सफाई इसकी हो गई, तेल वेल पड़ गया इसमें, हवा हवा चेक कराने गया। हवा वाला भैया बोले भैया हवा ठीक है, मैंने कहा मुझे लगा भाई 2-3 महीने निकल गई होगी, इसलिए मैंने चेक करा लेता हूँ। बट ठीक है, अब जाएंगे बाजार सामान लेने के लिए, चाय भी लेते हैं फटाफट। तो फाइनली आ गए हम फिर से घर का सामान लेने के लिए, और अब जा रहे हैं बेसमेंट में। बेसमेंट से लेंगे घर का सामान, फिर निकलेंगे बाहर। बच्चों को लेके नहीं आए आज हम, केवल हम ही दोनों आए हैं, बच्चों को लेके नहीं आए। बच्चे आते हैं तो भैया काम नहीं करने देते हैं, सामान नहीं रखने देते हैं, बहुत धुंध काटते हैं, बहुत बवाल काटते हैं, इसीलिए हम आ गए। आपका भी एक्सपीरियंस सेम ही होगा मेरी तरह, बच्चों को लाने प्रॉब्लम होती है। इंडिविजुअली आके आप ना फोकस्ड होकर शॉपिंग कर सकते हो, जो सामान लेना हो ले सकते हो, और हर बार यही होता है हम सामान लेते हैं, बच्चों के चक्कर में कुछ ना कुछ भूल जाते हैं हर बार। अब चलते हैं और देखते हैं भैया आज कुछ ना भूले बस। इसके बाद लेंगे नारियल पानी, और उसके बाद लेंगे आलू पापड़, यहाँ का पापड़ बहुत अच्छा होता है। इस टाइप का लॉक लेना है मुझे यार, ये बुलेट के लिए ना इसका लॉक रिलायबल नहीं होता, इस टाइप का एक लॉक लेना है केबल लॉक। बट इसकी रिलायबिलिटी कुछ ज़्यादा खास लग नहीं रही है मुझे, तो थोड़ी सी आरएनडी करनी पड़ेगी ऑनलाइन। बाहर आते ही बहुत ठंड है यार, अंदर तो ठंड पता भी नहीं चल रही थी, गर्मी लग रही थी, बाहर बहुत ठंड है। अरे इतना तो हो नहीं, ऐसा मेरी तबीयत हो रही है, डाउन हो रही है तबीयत, ऐसा लग रहा है कि अब तो यहाँ वेट करो, मैं गाड़ी निकाल के लाता हूँ, फिर यहीं सामान लोड कर लेंगे सारा। अरे वाह, 26 जनवरी की तैयारियाँ शुरू हो गई, पतंग की चक्री बना रखी है, देखो सामान रखा हुआ है। 26 जनवरी की तैयारियाँ शुरू हो गई भैया, 26 जनवरी की तैयारी हो रही है, ज़बरदस्त वाली, आएंगे देखेंगे, अच्छी डेकोरेशन होती है यहाँ पर हर फेस्टिवल में। क्या हो गया, क्यों रो रहे हो, मोबाइल पे लगे? अरे ये फूल कौन लाया, ये हैं कौन से गाने देख रहे हो आप? ये देखो मोबाइल में गाने देखे जा रहे हैं, गाने नहीं देख रहे। अच्छा मैं समझ गया, आप क्या देख रहे हो, आप ये देख रहे हो चैनल है ना, बेबी बेबी का चैनल देख रहे हो आप, है ना, क्या देख रहे हो? और ये क्या कर रहे हो बिंदी? ये देखो इसकी आदत पड़ गई बिंदी से खेलने की, पूरे दिन ऐसे पैकेट लेकर आती है बिंदी के, और पूरे दिन इनको बैठ कर फाड़ती रहती है, पूरा दिन ऐसे जाकर फाड़ती रहती है, तो पूरे हाथ में पूरे बिंदी के पैकेट लगे हुए हैं, इसके लिए अलग से बिंदी के पैकेट लाए जाते हैं ताकि ये खेले।
और किसी की बिंदी लगी देख लेती तो छुटा लेती है, पता नहीं क्या नया शौक पैदा हो गया है ना। अनु बिंदी दिखा दो, बिंदी कहें बिंदी, अनु बिंदी, बिंदी बता दो, बिंदी बता दो, बोल दो मुझे कर बिंदी। मुझे दे दो, थैंक यू, थैंक यू। अब पार्थ देखते हैं क्या कर रहा है। 110% गारंटेड टीवी में लगा होगा और कुछ ना कुछ गेमिंग का चल रहा हो। चलो देखते हैं, चल रहा है यहाँ, यहाँ गेम चल रहा है और वहाँ टीवी में गेम चल रहा है, दोनों जगह गेम चल रहा है। क्यों ऐसा, क्यों? कुछ नॉलेज मिल रही है, देख। क्या नॉलेज मिल रही है इससे? कुछ नहीं, कुछ स्टोरी बता रहा था। खेल दूसरा गेम रहे हो और वहाँ दूसरा गेम देख, दूसरा गेम रहे हो, सेम गेम है। एलईडी फ्यूज हो गया ऊपर वाला, तो अब नई एलईडी लाए, देखो ये नई एलईडी है, पहली बार लाए इस टाइप की एलईडी, ये कुछ नए तरीके की एलईडी है, ये मैं फर्स्ट टाइम देखी इस टाइप की एलईडी। ये देखो किस टाइप की, इसमें इसमें होल्डर भी लगा हुआ है, होल्डर जैसा है, और ये पूरी फोल्डेबल है, फोल्डेबल है, तभी तो। और क्या है, एलईडी इसके लिए तो एलईडी है, लाइट नहीं जलेगी और किस लिए? नहीं जे जलती है, और फिर इसमें होल्डर भी, बल्ब भी लगा, बल्ब नहीं लगेगा, ये होल्डर जैसा है इसका हुक, ये लग जाएगा उसमें यार, ये एलईडी है। बल्ब लेने से अच्छा तो मुझे ये लग रही थी, इसको फोल्डेबल है तो कहीं भी ऊपर नीचे कुछ भी कर दो, ठीक है। अच्छी एलईडी है, ज़्यादा ज़्यादा वाट की है, मुझे तो लाइट इसकी ठीक लग रही है, और एलईडी बल्ब से तो अच्छी है लाइट। हाँ। ये भी 10 वाट का है और वो एलईडी भी 10 वाट की है, लेकिन ये इतना छोटा सा, और देखो वो कितनी अच्छी चल रही है। रात का 10:30 बज रहा है, अचानक पता चला कि हमारी मदर इन लॉ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, तो वहाँ के लिए निकल गए हैं उनको देखने जाने के लिए, और रास्ते में ही है। बहुत दिनों सोच रहा था पान खाने की, तो उधर से निकले, सोचा मैंने कहा पान भी खा लेते हैं, एक पान ले लिया है। आपने चॉकलेट ली है ना, क्या कर रहे हो आप? थैंक यू कह दो, चॉकलेट कहा, चॉकलेट अनुआ, वेयर इज चॉकलेट, वेयर इज चॉकलेट, से थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।